जी न्यूज की चुनावी थाली अजमेर आ पहुंची है और अजमेर में हमारे साथ खास मेहमान हैं वासुदेव देवनानी, जिनका नाम आपने सुर्खियों में कई बार देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि वासुदेव देवनानी पर आरोप लगता है कि राजस्थान में इन्होंने शिक्षा का भगवाकरण किया है। और चुनावी थाली पर आज हम बात कर रहे हैं वासुदेव देवनानी से, जो कि अजमेर उत्तरी सीट से विधायक हैं और राजस्थान की सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। आपका स्वागत है जी न्यूज़ की चुनावी थाली में वासुदेव जी। बहुत सादा खाना आप खा रहे हैं, इसका राज क्या है? बचपन से ही एक गरीब परिवार या साधारण परिवार में पैदा हुआ, तो बचपन में परिवार में जिस प्रकार का भोजन बनता है वह आज भी खा रहा हूँ और पहले भी खाता रहा। ये पूरे परिवार का यही बनता है यही काम। रोटी देखिए, इनकी थाली में रोटी है, लौकी की सब्जी है और आलू की सब्जी है। बहुत ही सादा खाना ये यहाँ पर खा रहे हैं। इतना सादा खाना आप खा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इतनी सीधी लड़ाई और सादी लड़ाई राजस्थान में है कि बिल्कुल पेचीदा लड़ाई है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है? ऐसा कि भोजन को और है, लेकिन राजनीति को हमेशा कांग्रेस का ज़्यादा जोर है, क्योंकि बीजेपी के ना जो वादे किए थे वो वादे बहुत कुछ ना कम ही हुए हैं और ना काम भी बहुत कम हुआ है। वासुदेव जी, आपकी थाली से भी कई कटोरियां गायब हो गई, कई बड़े बड़े नेता आपको छोड़ के चले गए, बागी हो गए, 11 लोगों को आपको पार्टी से निकालना पड़ा। अपनी थाली आप तो बचा नहीं पा रहे, कांग्रेस पे इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतने जा रही है। आप 10 तक गिनना, 10 दिन में नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की सरकार जवाब दे देगी, राजस्थान के हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। ऐसा है कि 11 लोग जो गए हैं जनता समझ रही है, स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है अजमेर मोदी और वसुंधरा जी के सरकार में। आज इतने काम हुए हैं, आज आप देख सकते हैं अजमेर कितना क्लीन रह रहा है, और भी काफी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं, ये सब बीजेपी के राज में हुआ है। लेकिन वासुदेव जी, आपकी थाली का जो चेहरा है यानी कि वसुंधरा राजे, एंटी इनकम्बेंसी बहुत बताई जा रही है। साल से है ये जो मिथक है ये टूटेगा, और एंटी कम्बन से हमेशा ज़्यादातर चर्चा जो काम करता है उसी के प्रति कहीं ना कहीं अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। वो अपेक्षाएं बढ़ी हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, लेकिन जनता को इतना विश्वास है जो काम किया है वही आगे भी कर सकता है, जिसने आज तक कुछ नहीं किया वो आगे क्या करेगा। आपकी थाली में कोई तड़का नहीं है सर, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं है खाने की थाली में। राजनीति में देखा जाए तो मिर्च मसाला तड़का बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही आओ भगत शानो शौकत के साथ बाहर निकलना होता है। क्या लग रहा है आपको, इतनी सादी थाली बिना मिर्च मसाले तड़के के कहीं राजस्थान से बाहर तो नहीं जा रही है बीजेपी, इसलिए सादी थाली आप अभी से शुरू कर रहे हैं? बचपन से ही राजस्थान में और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सिंपल हैं, और वो कभी हम इसको प्रोफेशन बना परिवर्तन चाहिए, और हम हिंदू तत्व या मुस्लिम तत्व से परिवर्तन नहीं मान रहे हैं, हम विकास के तहत परिवर्तन मान रहे हैं। ये हमारे भाई हैं मार्केट में, हम खाया साहब के मोरू से हमले से मोहम्मद शाहनवाज भाई चिश्ती निजामी बात कर रहे हैं, लेकिन अब अजमेर की जनता के साथ साथ राजस्थान की जनता को भी परिवर्तन चाहिए, और हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी बातों को, हिंदुस्तान की समस्या को, हिंदुस्तान के नागरिकों की समस्याओं को समझ सके। वासुदेव जी, आपके ऊपर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगा, आपके ऊपर विपक्षी आरोप लगाते हैं कि आरएसएस का एजेंडा आपने राजस्थान के शिक्षा विभाग में चलाया, स्कूलों में चलाया, विद्यालयों में चलाया,
आखिर क्यों ऐसा है? कैसे होगी यदि हम अकबर महान पढ़ाएंगे तो मेरा भारत महान बता पाएंगे क्या? उनके दिमाग में नसों में कब देशभक्ति का भाव जगेगा? महाराणा माना जाता है पश्चिमी सभ्यता का एक प्रतीक है वैलेंटाइन डे, उसका बदलाव वासुदेव देवनानी ने राजस्थान में किया और राजस्थान में 14 फरवरी को अब बच्चे मातृ पिता पूजन दिवस के तौर पर मनाते हैं, माता पिता का पूजन करते हैं। वासुदेव जी, ये तो हो गया आपके शिक्षा क्षेत्र को लेकर बात, लेकिन अगर हम अजमेर की बात करें, इस गिलास में आप जो पानी देख रहे हैं, पानी से आपको कुछ याद आ रहा है? अजमेर की सबसे बड़ी समस्या पेयजल है। लोगों का आरोप है कि बीसलपुर जो योजना थी उसे यहाँ से जयपुर और टोक पानी भेजा जा रहा है, अजमेर को पानी 48 से 72 घंटे में मिलता है। अजमेर के लिए बीसलपुर की योजना लाई गई थी, मगर अजमेर बीसलपुर का पानी नहीं आता है, जबकि जयपुर जैसे हर 12 घंटे के अंदर पानी आता है। आज एक दिन के अंदर 72 घंटे में पानी आ रहा है, चुनाव होने के बाद में 105 घंटे से पानी आएगा शहर के अंदर। पानी की बात की, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो मंत्री हैं और नेता हैं, आपको नहीं पूरे आपकी सरकार पे सवाल उठाया है। इम्प्रूवमेंट हुआ है 48 घंटे में हर एक को पर्याप्त पानी, लेकिन वो 24 घंटे में मिले ये हमारा कमिटमेंट है। अभी तो हमारी एक ही मुद्दा है कि अजमेर को पेयजल की व्यवस्था करे, जो भी है मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़के अजमेर के पेयजल की व्यवस्था का वो कराए। हमारे हमारा आपकी रोटी है, हमारे यहाँ का पानी दूसरी जगह दे रहे हैं, हम लोग तरस रहे यहाँ के लिए। आपकी थाली में कोई मिठाई नहीं? आप मिठाई नहीं खाते हैं ज़्यादा? क्या दिन भर में इतनी खा लेता हूँ,
घर में भोजन के साथ लेने की आवश्यकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डर है कि ज्यादा मिठाई मत खाइए, कहीं मिर्ची ना खानी पड़े 11 दिसंबर को जो चुनावी नतीजे आए? मेरा तो है कि जितना मीठा खाओ उतना मीठा बोलो, कभी आपको डायबिटीज होगी नहीं और आप हमेशा मस्त रहोगे, टेंशन फ्री। जनता डायबिटीज मिठाई खा तो नहीं देगी बीजेपी को? मैं तो बिल्कुल नहीं करेगी, जनता जिताने के तैयार बैठी है। और कांग्रेस चूंकि उनको ये नहीं पता मुख्यमंत्री कौन होगा, अशोक गहलोत होगा, सीपी जोशी होगा, सचिन पायलट होगा, और उसमें आपस में वो झगड़ रहे हैं, तो उनकी पार्टी की जीत की परसेंट 1% भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी। जब सीपी जोशी का बयान आपने सुना क्या? सीपी जोशी कह रहे हैं मोदी जी और उमा भारती की जात पे सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही अधिकार है धर्म के बारे में बोलने पर और किसी को नहीं। उमा भारती की क्या जात है मालूम है किसी को? ऋतुमरा जी की क्या जात है मालूम है क्या? अरे इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं, विद्वान पंडित कौन कहते हैं, ब्राह्मण। ये अजीब देश हो गया, इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है वो हिंदू धर्म की बात कर रही है, साध्वी जी किसी धर्म की वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझते नहीं, 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई। कांग्रेस हमेशा जातिगत राजनीति करती आई है। से बोलते हैं हम लोग, देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको चुना है, तो हम बदतमीजी से उनके बारे में नहीं बोलेंगे चाहे वो कुछ भी करें। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आपका भोजन भी खत्म होने वाला है और चुनाव में माहौल एग्जैक्ट आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी वास्तव में सही तरीके से अपनी थाली सजा पाएगी या फिर बीजेपी की थाली गुल हो रही है? बीजेपी की थाली सजी हुई है और सजी हुई रहेगी, उसमें कहीं दो राय है नहीं। हम निश्चित रूप बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इस समय बीजेपी का यदि आप थोड़ा बड़े बड़े महलों में बैठकर फरमान जारी हुए हैं, पब्लिक से दूरी बनाई है, उसके विपरीत एक पब्लिक की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। एक अंतिम सवाल, आपका रोड मैप क्या होगा? मेरा अजमेर के नाते रोड मैप जो होगा, पहले अब मेरा रोड मैप होगा कि यहाँ के पेयजल की समस्या का